प्यारे बहन भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहन भाई अल्लाह ताला के फजल और करम के साथ ठीक ठाक होंगे। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे सभी बहन भाई को खुश रखे और बाद रखे। इस दुआ के साथ अपनी आज की वीडियो करते हैं शुरू। और वीडियो शुरू करने से पहले, जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल आवाज़ फीड को सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया तो साथ में घंटे के बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हम जो भी नई वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहेगा। फिर साड़ी आज की वीडियो साड़ी बहन भाई इन अच्छी लगी, इसमें लाइक और शेयर करिए। तो अपनी आज की वीडियो करते हैं शुरू। तो आज साड़ी वीडियो कुछ इस तरह है कि सुबह सुबह का टाइम पट्ठे कुछ अच्छी कुतर ले, तो अच्छे सारे टोका मोटर हसी हसी अज टोके खोलेंगे। टोके खोल के उन्होंने अच्छी तरह गर्म करेंगे। गर्म करने तो बाद उन्होंने अच्छी तरह चंड के उन्होंने मूँह बनावेंगे, तेज़ करेंगे। तो फिर टोका मोटर कस के फिर पट्ठे कुतरेंगे। तो सब तो पहला टोका मोटर तो कड़ासी खोलते हैं, तो फिर उन्होंने गोटियां बच्च रख के गोटे नूं अग लगा देवे, तो अच्छी तरह गर्म हो जाएंगे। तो उस तो बाद जो ठंडे हो गए कुछ, तो उस तो बाद उन्होंने चंडाई करेंगे, तो फिर उन्होंने मूँह बनावेंगे। तो नाले अपने देखने वाले भैन भाई निकालते हैं। तो अबू जी टोका मोटर के गलासे खोलते पे आ, पट्ठे कुछ कुछ असं सैड पर कर ले। सुबह दूसरी दफा पट्ठे पाते हैं, तो भी पा देना झट तक। तो असं क्यों के गलासे खोल के चढ़ते हैं, तकरीबन दो तीन घंटे चार लग जाते हैं। इसलिए ना कुछ पहला पट्ठे कुतर लिए रैच और सन्नी के नाल, इस तरह कर तो टोके उतार के, तो फिर गोटियां के इन्हों गर्म करांगे। मोई सही पे बेटा की करते पे हो, किस चीज के किले लगा रहे हो? मोई से किला वोटा कहना लगाया, किला कहने लगाया, मोई ने लगाया, हिबन लगाया। अच्छा हूं की करते पे? टोया कटते पे? तुझे सारा टोए बाबा रास्ता खराब कर देने मेरा। उठे भी लगाना है वो भी लगाया किले अन्य किले कौन लगाई जाते हैं? गर्म करके असले चंडी का मूह बन जाता है। मूह खुंडा हो मोटर तंग होंगी, दूसरी गल है पट्ठे की कटाई सोहनी नहीं होंगी है ना, बने पट्ठे बिचो निकले आते हैं, जिसनों पंजाब कहते टोका मोटर जोर छड़ दी पई है। चलो तो असी गोटे कट्ठे करके ढेर लगा ली हुई है। ये पहला गड़ासे रख लाँगे, तो उसके उपर बाद फिर अग दे कोले ले आए हैं घर रख के, वह भी उपर रख देंगे। तो फिर ना गोटे जिस तरह अग लगे गर्म होने वास्ते, कुछ तरह गोटे स्लो रहनगे ना, उस तरह के गड़ासे गर्म हो जाएंगे। तो जो गलासे साढ़े कोसे कोसे हो गए, फिर इन अच्छी तरह चाण लाँगे। जी तक वैसे चंडी का बस कल गलासे का मूँह टुट जाता है। गलासे रख के उपर असी घा रख के उपर कोले रख दिते हैं, हूँ इन्होंने इस तरह ही अग लग जाएगी। तो कणक असी 12 एकड़ कणक का पीछा कर लिया। तो कल जो शाम का टाइम होया, साड़ी है मधाणी बाहर निकले शाफट चो आली मधाणी ना, इतों बाहर निकल गए। तो अज इसमें ठीक करा के लैके आवेंगे, तो सुबह या परसों फिर ट्यूबवैल चलावे, नाले डीजल लैके आना पैना है। डीजल लैके आने नाल तो नाले इसमें ठीक करा के लैके आते हैं। तो शुक्र अल्लाह का बई मधाणी बाहर निकली, असी कोल ही सी, इसलिए कोई ट्रैक्टर ट्रैक्टर का किस चीज़ का कोई नुकसान नहीं होया। असी पहले ट्रैक्टर बंद कर लिया, तो हूँ इन ठीक करा के लैके आते खराधर, तो हूँ लैके जाते इसमें खराधते, तो वेल्डिंग वाले भाई तो इस ठीक करा के लैके आते हैं। तो फिर देखते हैं आज ट्यूबवैल चला या कल चला। इस बोतल के हैगा ट्रांसफार्मर का तेल, असी यह भी मोल लिया से भाई तो आमिर जी के ना जे गेटिया सोर्स वगैरह पै जी ना, तो इस भी फिर मालिश करी दी है। तो फिर इस आमिर की सोर्स वगैरह जो गेटिया पैंती ना वो भी उतर जाती है, तो दर्द भी खत्म हो जाती है। अमीर दर्द चुनता ना, फिर दर्द चुनना तो इतना लत कर दी थी, कल दो तीन दिन तेल लब्भा नहीं। हाँ जी, तो बहुत दर्द होती है, बहुत तंग करती, नहीं दिखती। इस तरह फिर इसकी मालिश करती थी, तो फिर इस सोर्स भी कम हो जाती और दर्द भी खत्म हो जाती है। ट्रांसफार्मर का तेल असं मुल लिया से, बड़े फायदे है। जिड़ी असं गाजर बीजियां अबू जी अजू पढ़ते पे आ
क्योंकि अगर मौसम आ गया हम सब्जियां लगाने का तो इस जगह पर ना फिर इन इसकी गोडी करके ना तो इस जगह पर सब्जियां लगा देंगे। एक क्यारी आ भी जिसकी गाजर की अभी मैं कमर पट लेनी गाजर निकी ना। अच्छा भाजी गाजर ने किन्ने मजे दे नहीं बनिया। एक प्यारी अही क्यारी पानी अगली पास सुननी। अच्छा तो एक क्यारी असी आ भी जी गाजर दे इन्हू देखते दे हैं कि सूरत हाल गाजर गुजर का यदि भी चेक करते हैं। हम असी पट्ठे पढ़ते पे हैं तो मैं उतो अगे गाजर पट आके अबू जी पट पे सो घर लैके आया। गाजर थे पे पई हुई मैं लिया बार उन्होंने मोटिया मोटिया कुछ गाजर निकाल लो कुछ सालन वास्ते आहो। कुछ जूस वास्ते जी दूसरी मल पा देंगे। एक क्यारी पट दी ना छोटी जी पहले बीजी सी जी बाद वाली क्यारी वो खोड़ी है तो ओर समा ज्यादा मोटिया है। नहीं नहीं पकावे फिर चाय पी के फिर चले जाने हम कावा बना। चलो कावा पी लाने कोने। अम्मी जी आप पली पूरी ना मैं गाजर की क्यारी अबू जी ने पट दी सी ते थोड़ी जी मैं पटा के सारे चक लिया है इन्हें जो ठीक ठीक है वह निकाल लो ते फिर वह पा देंगे वह सालन बन जाएगा चाहे जूस बना लियो ते जेड़ियां फिर ना ठीक हो ना बका जूस बना लाँगे। चलो तुम बैठा अम्मी जी बड़ी 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 गाजर अम्मी ने सैड करा दो ते फिर आप जूस बना के पीवेंगे किन्नू लैके आने अपने पौधे तोड़ के ना फिर जूस बना के पीवेंगे। हाँ मोटिया मोटिया बड़िया बड़िया निकाल लिया। हाँ जी फिर ना जी है मैं पल्ली चाहिए मैं जो है ना आप पट्ठे जे गाजर दिया माल मोहरे पा देना फिर मारने खा लेनी है ये उन्ना के पैसे पूरे हो जाए बस खाद तेन पाई तो मैं इन्होंने वो बीज लैके आया से खाना बैठा बंडा ना। अच्छा 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 बबलू खादा बच्चे बंडा अच्छा बीबी ठीक है ओदे वास्ते होर लेके आवांगे अंडा फिर ना जामनी कलर की गाजर ये चो बड़ी बड़ी सैड भी आ गई बहुत सारिया बच्चे निकाल लो जी आ गई घर दाजर सालन ज्यादा प्यारा बनता है ते जूस बनावे तो पता लगेगा जूस भी जायकेदार ही बनेगा क्योंकि इन्होंने होंगे ना केल इन्हें केल कम हों बाजारों लैके इन्होंने केल बहुत बड़ा होंगे है देखा मैं बड़ी बड़ी गाजर निकाल के तोड़ती है धीरा मेरी धीरा बड़ी सियानी हो गई है सब्जियां भी मौसम आ गया सब्जियां का बीज लगावे ना इस जगह तैयार करते हैं नहीं ना नवे लेके आवेंगे ना बीज की और लेके आवेंगे ना इस तरह करा ना अम्मी जी उ ना टीकार तैयार करके पहला पावे ना ढेर ढेर पा के ना उस तो बाद न्यू सब्जियां बीज लगावे हूँ एक तो लगनी उ भिंडी लगेगी घिया तोरी लगेगी सब्जी मेरे चल लगन गिया होर कड़ी चीज लगेगी। हाँ करेले हो गए होर एक होर सब्जी होंगी वो कड़ी है करेले होर कड़ी चीज होंगी अजकल कड़ी लगती मैं चेता भुल गया टिंडिया भी अजकल लगदियाँ टिंडिया अम्मी को दूसरे कद्दू वगैरा हो गए कद्दू वड्डा वो हो गए तो होर कड़ी चीज होंगी आ खीरे हो गए तरह हो गई इस तरह दी सब्जियां अजकल लगन गियां हुण उन्हां दी जिहड़ी शहर गियां बीज लैके आवांगे तो फिर ना जगह तैयार करके ना तो ढेर पा के गोडी करके तो फिर बीजांगे। मेरा मोइस भी आ गया तो ना असीं पल्ली गेट तों बाहर रख लई सी मैं घरे रेता रुता होनी है घर फिर ना मेरे छिल जाएगी तो इस तरह इतों ना साफ साफ गाजरां निकाल लैंदे तो उस तों बाद फिर जिहड़ा हो गया पट्ठे वगैरह इस तरह माल दी खुली पा देंगे रेता रुता झाड़ के ना मोइस बड़िया बड़िया तोड़नी मोइस बड़िया बड़िया निक्के निक्के नहीं तोड़नी आ गई हाँ मामियां दे दो चार दिन दिल नहीं लगा है दो दिन उत्थे रहे कल शामी आए वापसी घर
ਇਹ ਕੱਲ ਇਸ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਟਿਊਬਲ ਚਲਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਲਿਕਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੰਦਮ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਮਾਲਮਨੀ ਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਦੀ ਮਾਲ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੱਠੇ ਕੁਤਰ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗਈਆਂ, ਕਦੀ ਪਾ ਗਈਆਂ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ, ਫਿਰ ਅੰਮੀ ਜੀ ਹੁਣ ਪਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅੱਬੂ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਪੱਠੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਨੇ ਵੜ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਪੜਨਾ ਘਰ ਡੋ ਕੇ ਛਿੜਕੇ ਪੱਠੇ ਕੁਤਰਤੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਤਰ ਕੇ ਫਿਰ ਪੱਠੇ ਪਾ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਈ ਰੱਖਿਆ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਨਾਲ 6 ਏਕੜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਰ ਲਏ, 6 ਏਕੜ ਪਰਸੋਂ ਭਰੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਆ, ਜਮਦਾਨੀ ਠੀਕ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਚਰਖੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਫਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਈ, ਕਰਾਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੈਲਡਿੰਗ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਸੁਬਹਾ, ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਫਿਰ ਸੁਬਹਾ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਟੇਬਲ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ 6 ਏਕੜ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਜੀ, ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲੇ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਵੀ, ਨਹਿਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ 2-3 ਦਿਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਾਰੀ 'ਤੇ ਹੀ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਟਿਊਬਲ ਚਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਭਰ ਲਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਬਈ ਇਤਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮੂਠੀਆਂ ਮੂਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਲ ਲਈਆਂ, ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਲੀ 'ਚ ਪਏ ਹੁਣ ਪੱਠੇ ਦਾ ਬਰੀਕਾ ਜਣਾ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਲ ਦੀ ਕੁੰਡੀ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਝਾੜ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲੋਂ, ਅਤੇ ਮਾਲ ਖਾ ਲਏਗਾ ਫਿਰ। ਮਿੱਟੀਆਂ ਮੇਰੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ, ਗਾਜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ। ਚਲੋ ਬੀਬੀ ਧੀ ਰਾਣੀ, ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਪਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਫਿਰ। ਹਾਂ ਧੋ ਲਓ, ਮੈਂ ਪੱਠੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਵਾਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਿਊ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਅੰਮੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਿਕਾਲ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸਤਰੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਧੋ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੱਠੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਵਾਂ। ਬਿਜਲੀ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਅੰਮੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਵਾ ਦੇਗੀ, ਢਾਲ ਕੇ ਧੋ ਲਿਓ ਅੰਮੀ ਤੋਂ ਬੇਟੀ। ਗੜਾਸੇ ਗਰਮ ਕਰ ਲਏ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੋਸੇ ਕੋਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਸੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਕੜ ਕੇ ਨਾ ਐਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਗੜਾਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਗੜਾਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਰੇਤੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੜਾਸਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਦਾ ਸੁੱਕ ਕੰਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਜੂਠ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ ਹੈਗੀ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਮਸਲਾ, ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੇ ਲੈ ਲਓ ਇੱਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਸਲਾਦ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇਸ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈ ਲਓ। ਕਮਰ ਸੈੱਟ ਆ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੀ ਕੱਟੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀਆਂ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤਾ ਵੇਦਾ ਹੈ। ਗਲਾਸ ਦੇ ਇਹ 3 ਡਜ਼ਨ ਗਲਾਸਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਧਰ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੇ, ਸਾਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸਾਦਾ ਸੈੱਟ ਕਿੰਨੇ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਈਕੋ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਡੱਬੇ ਖੇਡਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ, ਕੀ ਰੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹ 1200 ਦੇ ਨੇ, ਇਹ 850 ਦੇ ਨੇ, ਓਲਡ ਰਿਵਾਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਚੰਗੀ ਉਹਦੇ ਚ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹਲਕੀ ਤੇ ਡਰਾਂ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਇਹ। ਬਾਜੀ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਕਾ ਸਰ? ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ, ਹਾਂਜੀ ਉੱਪਰ ਰੱਖੋ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸੇ ਛਿਲਕਾ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਕੱਦੂਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਸੇਬ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਉਹ ਲੀਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਉਹ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਸਬਜ਼ੀ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ। ਚਾਚਾ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਸੀ? ਕਿਹੜਾ? ਆ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਇਹ 1499 ਰੁਪਏ ਦੀ, 1500 ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਰ ਜਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਛਾ ਸੈੱਟ ਜੱਗ ਗਲਾਸ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਉਹਦਾ ਹੈ। ਚਲਾ
ਦੇਖੋ ਪਿਆਜ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਪਰ ਦਬਾਓ ਬਾਬੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਆਜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਬਹਿਣਾ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਹਿਣਾ ਬਹਿਣ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਜਿਓ ਔਰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਵਾਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਓ ਦੁਆਵਾਂ ਸੀ ਯਾਦ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।